देखें, ये किसी भी आदमी जिसमें कोई थोड़ी सी भी जो सियासी समझ बूझ रखता है उसको इस बात का तो बड़ा वाजे उसको अपनी नॉलेज में होगा कि किस पार्टी को और किसको इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं थोड़ा सा आपसे डेटा भी शेयर कर दूं, ये 2018 में इलेक्शन हुआ था इस हलके में जो मेरे वालिद साहब ने कंटेस्ट किया था, और पीपल्स पार्टी से यही कैंडिडेट थे जो अब रिपीट कर रहे हैं। उस वक्त मेरे वालिद साहब को कोई 90,000 वोट पड़े थे और जो पीपल्स पार्टी के ये कैंडिडेट थे इनको कोई पूरे 6,000 भी नहीं हुए थे, 5,000 समथिंग वोट पड़े थे। सो इस वाजे फ़र्क के साथ किसी भी आदमी को अगर थोड़ी भी पॉलिटिकल सेंस है तो आई थिंक उसको क्लियर होगा कि किस पार्टी को इन चीज़ों की हरकतों में करने की ज़रूरत है। सो हमने अपना मौक़िफ़ तो रख दिया, बिल्कुल ये फैब्रिकेटेड वीडियोज़ हैं, अगर कोई आप इसको देखेंगे भी तो वो आपको बिल्कुल खुद अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह इनको एक डॉक्टर करके, एक फैब्रिकेट करके, एक स्क्रिप्ट के तहत ये रिलीज़ की गई है। और उसकी टाइमिंग भी बड़ी आपको सामने रखने की ज़रूरत है कि जब एक दूसरी पीपल्स पार्टी की ऐसी आई और उन पर एक्शन ले लिया गया तो उसके ही अगले दिन या एक दो दिन के वक्फे से इस तरह की वीडियोस भी रिलीज़ की गई। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, आवाम इतने बेवकूफ़ नहीं अब रह गए और इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 5-6 दिन अब रह गए हैं, खैर खैरियत से ये गुजर जाएं, ये रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आप इसमें से किसी ने वीडियो बनाई और ये इल्ज़ाम आप पे लगे? देखें, ये आपको मैं अब इन चीज़ों में पढ़ना नहीं अभी चाहता, हमने अपना मौका दिया है, हम बिल्कुल फैब्रिकेटेड हैं। देखने वाला जो इसको सब इस एग्री कर रहे हैं ये फैब्रिक गई हैं बनाई, इसका किसको फ़ायदा हो सकता है वो आप खुद। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो प्रोग्राम है आपका, आपने पेश किया आरओ के सामने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको फारिग कर दिया, आपको माफ कर दिया, आपको जुर्माना किया, क्या सही? वो आरओ साहब अंदर बैठे हैं, डीएमओ साहब थे, आरओ साहब के सामने नहीं थे वो, हमने अपना इन राइटिंग जवाब